संगीत की धुन पर सियासत की सरगम रची गई है। सत्ता के लिए गीत बुने गए हैं, बुना गया है जीत का ताना बाना। लोकसभा के समर में चुनावी संगीत ने सराबोर कर दिया है देश की सियासत को, और उन संगीतों में वाईएसआर कांग्रेस के मुखिया का ये प्रचार गीत मानकों को तोड़ रहा है। जगन रेड्डी के रावाली जगन गीत को अब तक 10 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि उबाऊ भाषणों से इतर संगीत की धुन पर वोटर को लुभाने की नायाब सियासत चल रही है। बीजेपी की ओर से मैं भी चौकीदार आ रही है तो बीजेपी सरकार वाला गाना भी बज रहा है। जब से लता मंगेशकर ने मोदी के भाषण वाली कविता को अपनी आवाज दी है तभी से ये आवाज भी गूंज रही है। इसमें कोई शक नहीं कि सियासी गीतों को जमकर देखा जा रहा है, मगर जगन रेड्डी का रावाली जगन रिकॉर्ड की ओर बढ़ चला है। वैसे भी इस बार जगन मोहन रेड्डी का कैंपेन नरेंद्र मोदी के 2014 में चुनावी रणनीतिकार रहे और जेडीयू के उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने संभाला है। जगन के पूरे चुनावी कैंपेन की प्लानिंग, कैंपेन गीत, उनका भाषण, जनता के बीच उनकी मौजूदगी, बॉडी लैंग्वेज, छोटी छोटी बातों पर बारीकी से काम किया है प्रशांत किशोर की टीम ने। यही वजह है कि जगन के साथ ही साथ प्रशांत भी मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के निशाने पर हैं। जगन का करिश्माई युवा नेतृत्व और प्रशांत की चुनावी रणनीति ने इस बार आंध्र की बाजी पलटने के संकेत दे दिए हैं। यही कारण है कि जगन के कैंपेन का शोर दक्षिण भारत से निकलकर उत्तर भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। कावाली जगन दक्षिण भारत में इस बार बड़े प्लेयर बन सकते हैं। यही कारण है कि एनडीए से गठबंधन नहीं होने के बावजूद बीजेपी उनमें अपने भविष्य की संभावनाएं देख रही है। कावाली जगन, मन जगन।